अगर आपको पीसीओडी है या आपके जान पहचान में किसी को पीसीओडी या पीसीओएस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी होम रेमेडीज, नेचुरल तरीके और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका पीसीओडी बहुत ही जल्द क्योर हो जाएगा। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि इसके बारे में डिटेल में बताओ, आप एक बार थोड़ा सा सोचो कि जो शहर में लड़कियां होती हैं, 10 में से 2 लड़के आपको मिल जाएंगे जिसको पीसीओडी या पीसीओएस है। लेकिन वही अगर आप गांव में जाओगे और 50 लड़कियों में से भी ढूंढने की कोशिश करोगे किसी को ये बीमारी हो तो नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? गांव में ये बीमारी उतनी नहीं है जितनी शहरों में है, और पीसीओएस पीसीओडी होने की वजह से लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ओबेसिटी हो जाती है, फेशियल हेयर आते हैं, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ओवुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि लड़कियों को कंसीव करने में डिफिकल्टी आती है, स्किन के ऊपर बहुत सारे टैग्स और ब्लेमिशेस आ जाते हैं, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल ब्रेकआउट हो जाता है। कोई भी लड़की ये सारी प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहेगी, हम सब इससे बचना जरूर चाहेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो चलो इसके क्योर और ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, नेचुरल तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गांव की लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है। एक बार उनकी लाइफस्टाइल को देखो, एक हमारे लाइफस्टाइल को देखो। हम लोग हमेशा कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब होती है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम हम करते नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो गाँव की लड़कियां होती है उनका बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क होता है, मतलब हर काम वो इधर से उधर दौड़ती भागती हुई करती रहती है। लाइफ में वो अपनी इतनी ज्यादा फिजिकली एक्टिव होती है कि उनको कोई बीमारी दूर दूर तक पकड़ती ही नहीं है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा, मिनिमम 20 मैक्सिमम 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाओ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो पाए तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, या हो गई है तो सॉल्व हो जाएगी। एक बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा आपकी खुद के लाइफ में, स्लीपिंग पैटर्न। हर बीमारी का जड़ होता है, अगर आप अपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं लेते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आती हैं। गांव की लड़कियां हमेशा टाइम पे सोती है, टाइम पे उठती हैं, बट हम लोग रात रात भर काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी। बट यस, वी नीड टू वर्क ऑन स्लीपिंग पैटर्न। अगर हम टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे उठेंगे नहीं, तो पूरा दिन वेस्ट भी जाता है, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म कंफ्यूज हो जाता है। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर नरिश कर रही होती है, तो हमें जरूरत है अपनी बॉडी को इतना टाइम दे कि वो अपने आप को रिपेयर कर पाए, ताकि आगे वाले दिन का मतलब जो भी काम होगा वो हम लोग टाइम पे कर पाएंगे। तो स्लीपिंग पैटर्न प्लीज आप देखिए। हाँ, रात रात भर फोन लैपटॉप में ना लगे रहिए, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज कल हमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है, कभी लुक्स का, कभी स्टडी का, कभी जॉब, कभी घर, कभी बच्चे। अगर हम स्ट्रेस ही लेते रहेंगे तो पीसीओडी बिन बुलाए मेहमान की तरह आके हमारी बॉडी में बैठ जाएगा। तो पीसीओडी ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारे शरीर में अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो स्ट्रेस से बचे रहने के लिए सबसे ज्यादा आसान है कि आप मेडिटेशन करें या उस बारे में ना सोचें जो चीजें आपको तकलीफ पहुंचाती हैं। अगर आप उन लड़कियों में से हो जो अल्कोहल और स्मोक का सेवन करती हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसका डोज बहुत ज्यादा लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, तो इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है और पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं। यू शुड मेंटेन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, फूड। अब क्या क्या खाना चाहिए लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये देख लो कि प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज वगैरह आपको नहीं खाना है। घर का बना हुआ स्वच्छ और ताजा खाना माँ के हाथों का ही खाना है, या खुद बना करके ही आपको खाना। DIY की बात करें तो आप हनी वाटर लेमन का ड्रिंक भी मॉर्निंग में पी सकते हैं। ये ओबेसिटी में भी आपकी हेल्प करता है, प्लस पीसीओडी से भी आपको बचाता है। साथ ही साथ आपको अपने डाइट में शिया सीड और फ्लैक्स सीड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो आपकी बॉडी को अंदर से नारिश करती हैं। अगर आपको पीसीओडी है तो आप प्लीज आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसका इंटेक रेगुलरली लीजिए, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, उनके सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई आयुर्वेदिक तरीका चाहते हो तो आप ये आयुर्वेदिक रेमेडी ट्राई कर सकते हो, जो कि है नम्य का अथर्व कश्यप फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस। दिन में 2 बार लेना है, हर वुमेन के लिए ये सुटेबल होता है। ये ट्रीट करता है आपके पीसीओडी के रूट कॉज को। दिस रिस्टोर्स द बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, नॉर्मलाइजेस मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रमोट्स टाइमली ओवुलेशन एंड फॉर्मुलेटेड विद पावरफुल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। ये आयुर्वेदिक तरीका पीसीओडी और पीसीओएस के जो रूट कॉज होता है उसको ट्रीट करता है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है, नॉर्मलाइज करता है, फ्लो को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि पीसीओडी में बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है। आपके जो पीरियड्स होते हैं कई महीनों तक या तो आते नहीं है या कई दिनों तक ये जाते नहीं है, तो
इसको बहुत जरूरी है बैलेंस करना, क्योंकि पीरियड्स आपके इरेगुलर है, टाइम पे नहीं आते, इसीलिए आपका ओवुलेशन भी सही से नहीं होता है, कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और फर्टिलिटी और इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपके यूट्रस और ओवरीज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और वेट गेन को भी कंट्रोल करता है। गाइस डू यू नो फॉल्टी मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, ये मेन रीजन होता है, और ये आयुर्वेदिक रेमेडी इंप्रूव करता है आपके मेटाबॉलिज्म को और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप डेली योगा आसन भी करने लग जाएंगे ना, तो आपका पीसीओडी ट्रीट होता है बहुत अच्छे तरीके से। सिर्फ बोलने कहने करने और डाइट से ही नहीं होगा, थोड़ा सा योगा आसन कर लोगे ना, फिर आप रिजल्ट देखना कुछ ही महीनों की बात होगी। फिर तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि आपको योगा के कौन कौन से आसन करने हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई पोज, सूर्य नमस्कार, चक्की चलान आसन, नौका आसन और गरुड़ आसन। गाइस डू दीज आसन, बहुत अमेजिंग और सुपर हिट आसन है पीसीओडी को क्योर करने के लिए। और क्योंकि आपका वजन बढ़ रहा होता है, आपको भूख लग रही होती है, आप ज्यादा ज्यादा खाना एक बार में खा लेते हो, इससे अच्छा आइडिया होगा कि आप थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े इंटरवल में खाओ, एक साथ बहुत सारा खाना मत खाओ। आपको जब भी भूख लगे प्लेट लो और जितना खाना है उसका आधा खाना लो, वो खत्म करो, फिर जितना भूख लगी उसका आधा खाना लो। एक बार में ज्यादा खाना लोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, आप टीवी देखते देखते मोबाइल देखते देखते अपने भूख से ज्यादा खा लेते हो, फिर मोटापे की प्रॉब्लम तो पीसीओडी में होती ही है ना, शरीर फूलने लग जाता है, तो उससे आपको निजात मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, ब्रेकफास्ट जरूर लेना है, ऑन टाइम लेना है और न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने समोसे खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, बर्गर खा लिया, नहीं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना चाहिए, फिर लंच में, फिर डिनर में। सो डाइट चार्ट में आपको बताती हूँ। सो गाइस ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हो इडली, सांबर, चटनी, ब्राउन ब्रेड, बॉइल्ड एग वाइट, उपमा, मेथी पराठा, वेजिटेबल ओट्स, लो फैट मिल्क, ये सारी चीजें ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो। लंच में आप क्या क्या ले सकते हो उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। लंच में आप खा सकते हो चपाती, ग्रीन ग्राम स्प्राउट्स, वेज पुलाव, राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बटर मिल्क, बॉइल्ड ब्लैक चना, दाल, पालक सब्जी, कर्ड। अब बात करते हैं डिनर में आप क्या खा सकते हो। रोटी, सैलेड, फिश, लेडी फिगर, चिकन, किडनी बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आप डिनर में ले सकते हो। और बीच में स्नैक्स हो या मिड मील हो तो थोड़ा छुटपुट छुटपुट ड्राई फ्रूट्स और जो एकदम वाइब्रेंट कलर के फ्रूट्स होते हैं ना वो आप खा सकते हो, जैसे कि ऑरेंज हो गया। सो गाइस ये तो सारी चीजें थी जो पीसीओडी में आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, मैंने आपको ए टू जी सब बता दिया है। प्लीज आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो तभी आपका पीसीओडी ट्रीट हो पाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।